Good morning students. Today I am going to explain the background properties of CSS. हमने font property पढ़ लिया, text property पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे background property. ठीक है, first आपके पास background color. This property is used to specify color as a background of an element. हम background में color को लगा सकते हैं. Normal सी बात है, ये आपको पता भी है. Like यहाँ पे color की value दे रखी है, तो color का हम नाम भी लिख सकते हैं, color के हम hexadecimal value भी लिख सकते हैं, color के margin भी, color code भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर transparent भी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो आप नीचे आइए. नेक्स्ट टॉपिक है बैकग्राउंड इमेज. कलर के अलावा आप बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो. बाय डिफ़ॉल्ट अ बैकग्राउंड इमेज इज़ प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट. अगर आप उसकी कोई पोजीशन नहीं बताते हो तो टॉप पर लेफ्ट साइड पर आपकी इमेज लग जाती है. एंड देन इट इज़ रिपीटेड इन बोथ द डायरेक्शंस, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली. और फिर इसी तरीके से हर एक पेज पर टॉप से लेकर बॉटम या वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी रिपीट होती है टू फिल अप द होल स्पेस ऑफ द वेब पेज, ताकि वो वेब पेज के बाकी के स्पेस को भी फिल कर दे. तो यहाँ पर भी इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है. लेट्स नो मोर भी है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखना. लेट्स नो मोर हम यहाँ पे पढ़ेंगे. वी कैन आल्सो सेट मोर देन वन इमेज एज द बैकग्राउंड फॉर एन एलिमेंट. आप बैकग्राउंड पर एक से ज़्यादा इमेज को भी सेट कर सकते हो. टू स्पेसिफाई द इमेजेस सेपरेट द यूआरएल्स विद ए कोमा. अगर आपको अलग अलग इमेज लगानी है तो जो उनका एड्रेस है यूआरएल्स को कोमा से अलग करो. एग्जांपल यहाँ पर देखो, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यू वैल्यू है यूआरएल स्माइली डॉट जेपीजी और कोमा लगा के यूआरएल इमेज डॉट जेपीजी. क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा इमेज भी लगा सकते हो. नेक्स्ट है बैकग्राउंड रिपीट. बाय डिफॉल्ट अ बैकग्राउंड इमेज इज रिपीटेड बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली टू फिल अप द होल स्पेस ऑफ एन एलिमेंट. अभी हमने पढ़ा, अगर आपकी जो इमेज है वो छोटी छोटी है तो बाकी के स्पेस को फिल करने के लिए जो इमेज है वो अपने आप रिपीट हो जाती है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ताकि खाली स्पेस को वो फिल कर दे. हाउएवर वी कैन कंट्रोल दिस बिहेवियर बाय यूजिंग द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी. आप इस बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी को यूज करके, जिसकी फोर वैल्यूज होती हैं. नो रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई एंड रिपीट. नो रिपीट का मतलब है द इमेज विल बी डिस्प्ले ओनली वंस, कि इमेज एक बार नजर आएगी, जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में नजर आ रहा है. उसके बाद रिपीट एक्स, इमेज विल बी रिपीटेड हॉरिजॉन्टली इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स. टाइल्स मतलब इस तरीके से वो नजर आएगी. ठीक है, सॉरी ये वर्टिकली है, कट ये है आपके पास. नो रिपीट, रिपीट एक्स, द इमेज विल बी रिपीटेड हॉरिजॉन्टली इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स. तो इमेज इस तरीके से आएगी, इस हॉरिजॉन्टल करके आएगी. ठीक है, तो इसके बाद आपके पास रिपीट वाइज द इमेज विल बी रिपीटेड वर्टिकली इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, ये है वर्टिकली. उसके बाद रिपीट डिफॉल्ट वैल्यू द इमेज इज रिपीटेड बोथ द डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन पे आपको यहाँ पे रिपीट होगा. क्लियर है आपके पास? उसके बाद आपके पास यूजिंग अ बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज यूज द शॉर्ट हैंड मैथड टू सेट ऑल द बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन वन सिंगल डिक्लेरेशन. जब हम एक ही डिक्लेरेशन में सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं तो वो शॉर्ट हैंड कहलाता है. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, बॉडी बैकग्राउंड के अंदर हेक्साडेसिमल कोड लगा दिया, यूआरएल लगा के बैकग्राउंड इमेज भी लगा दी और नो रिपीट भी लगा दिया. ये है इंटरनल, क्योंकि कर्सिव में है. उसके बाद दूसरे लिए बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड में हमने कलर लगा दिया, यूआरएल इमेज 3.jpg और लगा दिया नो रिपीट. ये है आपका इनलाइन. ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम देखेंगे. HTML हेड टाइटल यूजिंग बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज ले लिया. स्टाइल में हमने पैराग्राफ पे लगा दी हमने ये प्रॉपर्टी. टेक्स्ट अलाइन में वैल्यू सेंटर, कलर है इसका नेवी. स्टाइल क्लॉज हेड क्लॉज बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड. बॉडी में हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे तो स्टाइल में बैकग्राउंड इमेज URL है जेनजी इल डॉट 3jpg. बैकग्राउंड कलर भी दे दिया हमने साथ ही साथ. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास नो रिपीट भी आ गया. फिर पी स्टाइल मतलब पैराग्राफ का जो स्टाइल ऊपर है वो आ गया. अगेन पी स्टाइल पे ये इफेक्ट्स आ जाएगा. फॉन्ट साइज 3pt ले लिया, नोवल इन 6 पार्ट्स ले लिया. ठीक है, उसके बाद ले लिया हमने पी स्टाइल दोबारा से. फॉन्ट फैमिली द वर्ड्स फर्स्ट रिटन इन 1000 ईयर्स एगो एंड वन ऑफ द इशूइंग्स ऑफ लिटरेचर. तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए. तो ये यहाँ पर आपके एज इट इज़ लग गया. देखो वर्ड्स नोवल वाले में कोई भी कलर नहीं आ रखा है. इसमें आपने क्या लेना है, वाइट कलर. ये पी स्टाइल फॉन्ट प्रॉपर्टी रेगुलर ये इस पर अप्लाई हो रहा है. क्लियर है?
नॉट पढ़ेंगे वेल स्पेसिफाइंग द वैल्यूज फॉर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वन हैज़ टू फॉलो द ऑर्डर स्ट्रिक्टली. इसके लिए हमें ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, इसके बाद आपके पास मार्जिन इन डी एच टी एम एल. एवरी एलिमेंट हैज़ अ बाउंड्री ऑफ इट्स फोर साइड्स राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम. हमें पता मार्जिन क्या होता है, जो स्पेस हम चारों डायरेक्शन से छोड़ते हैं वो मार्जिन होता है. मार्जिन इज डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द साइड्स ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. स्पेस इज जनरली फॉर वाइट स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर. इसलिए हमसे क्या कहते हैं, बॉर्डर के चारों तरफ से. लाइक ये आपका एक पेज है, इसके चारों तरफ से जो स्पेस छूटा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है सेटिंग मार्जिन फॉर इंडिविजुअल साइड्स. अलग अलग साइड से हम मार्जिन कैसे छोड़ेंगे. फॉर ईच साइड्स एलिमेंट वी कैन मेक द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. हम इस तरीके से प्रॉपर्टी बना सकते हैं. मार्जिन टॉप, टॉप से स्पेस छोड़ेगा, राइट से स्पेस छोड़ेगा, बॉटम से स्पेस छोड़ेगा, लेफ्ट से स्पेस छोड़ेगा. सिंटेक्स है मार्जिन साइड और वैल्यू. वैल्यू हमारी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट एंड वैल्यू लेंथ परसेंटेज ऑटो. ये हमारी हमारे पास वैल्यू होगी. जल्दी से प्रोग्राम देखेंगे. एस टी एम एल हेड टाइटल मार्जिन प्रॉपर्टी स्टाइल पी ले रखा है कर्सिव में. मार्जिन टॉप 50x. उसके बाद बॉडी भी हमारा इनलाइन ही लगेगा. ठीक है, स्टाइल हेड बॉडी बॉडी स्टार्ट पैराग्राफ पी में हमारा ये योर एटीट्यूड योर एप्टीट्यूड हमारा वैल्यू लग जाएगा. उसके बाद दोबारा से पी है हमारे पास. फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप कर्सिव. ठीक है बेटा, ध्यान रख लेना जो कर्सिव में होता है वो होता है हमारा इनलाइन. इनलाइन का मतलब होता है एक ही बार वो अप्लाई होगा, दूसरे पैराग्राफ पे अप्लाई नहीं होगा. बहुत बार ये आ चुका है, आपको ध्यान ये बात रखनी है. जो कर्सिव में आप यहाँ पे बताओगे इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जो पी आएगा पैराग्राफ आएगा सिर्फ उस पर अप्लाई आएगा, नेक्स्ट टाइम जो पी आएगा उस पर अप्लाई नहीं होगा. देख लो यहाँ पर जो कर्सिव ले रखा है वो सेकेंड पैराग्राफ पी पे अप्लाई हो रहा है. क्लियर है बेटा. इसके बाद बॉडी क्लोज एस टी एम एल क्लोज. यहाँ पे नीचे एग्जांपल भी बता रखा है कि इस तरीके से आप इनलाइन और इंटरनल अलग अलग लगा सकते हो. इसके बाद आपके पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का लास्ट टॉपिक रह गया. शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वही आ गया इसमें कि सारी के सारी प्रॉपर्टी का हम एक साथ यूज़ कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर देखो मार्जिन प्रॉपर्टी हैविंग फोर वैल्यूज, फोर वैल्यू के साथ ले रखा, थ्री वैल्यू के साथ ले रखा, टू वैल्यू के साथ और वन वैल्यू के साथ ले रखा है. क्लियर है आप सब.